हे गेमर्स व्हाट्सअप, आज मैं तुम्हें पांच ऐसे लो एंड गेम्स बताऊंगा जो किसी भी लो एंड पीसी में चल सकते हैं और डिसेंट ग्राफिक्स ऑफर करते हैं, वो भी बिना ग्राफिक्स कार्ड के। तो स्टार्ट करते हैं एंड सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के फर्स्ट गेम के साथ तुम्हारा पैराडाइज सिटी में भी स्वागत है, जहां पर तुम अपनी कार के साथ उस सिटी में बिल्कुल मचाने वाले हो, मतलब फुल एंटरटेनिंग प्लस एंगेजिंग गेम प्ले। और जब तुम इस गेम के अंदर की कार चेक करने बैठोगे तो भाई तुम्हें इसमें काफी सारी लेजेंडरी कार्स मिलेगी, जो कि इस गेम का एक प्लस पॉइंट है। एंड शायद इसी वजह से गेम इस डिसेंट ग्राफिक्स वाली वीडियो में ऐड है। और इस अमेजिंग गेम का नाम है बर्न आउट पैराडाइज। एंड हो सकता है तुमने इस गेम को कहीं ना कहीं ऑलरेडी जरूर प्ले कर रखा होगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट आर्केड रेसिंग गेम है जो 2008 में आया था, जिसे क्रिटिक्स और लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था। एंड इस अप्रिशिएशन का एक मेन रीजन इसके कंट्रोल्स भी है, जो कि शायद उस टाइम पर सभी गेम्स के लिए करना थोड़ा मुश्किल था। तो अगर तुम्हें ये पसंद आए हो तो इसकी तरफ जा सकते हो। ये रहा तुम्हारे इस वीडियो का सेकंड गेम, जिसमें तुम्हें मिलता है फ्री फॉर्म फाइटिंग सिस्टम, जिससे तुम किसी भी एनिमी को अपने स्टाइल से किल कर सकते हो। और तुम्हारे पास इसमें एक डैगरटेल नाम का वेपन होता है, जिससे तुम दूर खड़े एनिमीज को काफी डेडली तरीके से डाउन कर सकते हो। एंड जो गेम के अंदर की मेन फाइट है वो बाकी गेम से बिल्कुल ही अलग है इस साइज रेंज के अंदर। जैसे तुम्हारी कुछ फाइट्स घरों की छत पर होगी, कुछ एनिमीज के लिए हाइड एंड किल रूल तुम्हें फॉलो करना होगा, और ऐसी कुछ और भी चीजें इस गेम में ऐड है, जिसका नाम है प्रिंस ऑफ पर्शिया टू थ्रोन्स। एंड इन सभी फाइटिंग एलिमेंट्स के अलावा जो इसकी स्टोरी है वो काफी इंगेजिंग है, और ये गेम उन लोगों को काफी पसंद आएगा जिन्हें स्टोरी ड्रिवन गेम खेलना काफी पसंद है। तो अगर तुम भी उन्हीं लोगों में से हो फिर इसकी तरफ जरूर जाना। इस वीडियो के थर्ड गेम के अंदर तुम होते हो सबके फेवरेट आयरन मैन, और इससे भी बड़ी बात है कि तुम्हारे पास एक्सेस होता है टोनी स्टार्क के सभी गैजेट्स का। एंड अगर तुमने कभी कोई आयरन मैन का गेम ट्राई नहीं किया है तो इसकी कुछ चीजें तुम्हें काफी पसंद आएगी, जैसे तुम गेम के अंदर अपने सूट के फीचर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लाइक थंडर कोर सिस्टम, तुम्हारे रिपल्सर्स, पावर सिस्टम, ऑक्सिलरी वेपन, मोबिलिटी एनहांसमेंट, ये सब तुम एडजस्ट कर सकते हो। और इस गेम का नाम है आयरन मैन 1। एंड ऐसा नहीं है कि उन एडजस्टमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी हर एडजस्टमेंट तुम्हारे सूट पावर पर इफेक्ट करेगी। और गेम के अंदर भले ही तुम टोनी स्टार्क हो, लेकिन सूट अपग्रेडेशन के लिए पैसे तुम्हें भी जमा करने होंगे। एंड अगर तुम चाहते हो मैं आगे और ऐसे गेम्स बताता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। ये रहा तुम्हारे इस वीडियो का फोर्थ गेम, जो आता है रेसलिंग जोनरा के अंदर, और एक हिसाब से एक प्रोफेशनल रेसलिंग वीडियो गेम है। एंड ये रिकॉर्डिंग एक बेस्ट WWE गेम है। और अगर तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो WWE देखते हैं, तो तुम्हें पता होगा एलिमिनेशन चैम्बर मैच के बारे में, और ये फर्स्ट ऐसा WWE गेम है जिसने इस चीज को इंट्रोड्यूस करा था। एंड इस अमेजिंग गेम का नाम है WWE स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन। और ये गेम तुम्हें काफी सारे मेल एंड फीमेल रेसलर्स ऑफर करता है, जिसमें कुछ लेजेंडरी रेसलर्स भी है जिन्हें तुम गेम में अनलॉक कर सकते हो। एंड इसमें तुम्हें प्ले करने को एक सीजन मोड भी मिलता है, जिसकी जो स्टोरी लाइन है वो काफी इंटेंस है, और WWE फैंस को इस गेम की तरफ एक बार जरूर जाना चाहिए। एंड अगर तुम WWE फैन नहीं हो फिर भी तुम इस गेम से डिसअपॉइंट नहीं हो सकते। इस वीडियो का लास्ट गेम है अब एक एक्शन शूटिंग गेम, जिससे कि आज की वीडियो में लगभग अलग अलग जोनरा के गेम ऐड हो चुके हैं, ताकि तुम अपना फेवरेट गेम वीडियो से पिक कर सको। और जो ये पूरा गेम है वो ऑफिशियली बैड बॉयज 2 मूवी से उठाया गया है, जो कि शायद एक एवरेज मूवी थी आई थिंक, जिसके लीड हीरो थे मार्टिन लॉरेंस एंड विल स्मिथ। और इस गेम का नाम भी मूवी से इंस्पायर है, बैड बॉयज 2। एंड गेम के अंदर मियामी में कुछ लोग सस्पिशियस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, और तुम्हारा काम है वहां पर जाकर उन लोगों को रोकना। एंड जब तुम इस गेम को प्ले करोगे, तुम्हें इसमें 15 फास्ट पेस मिशंस देखने को मिलेंगे, जो कि ठीक है गेम के साइज के अकॉर्डिंग, और तुम इस गेम को एज अ माइक और एज अ मार्कस प्ले करते हो, मगर वो तुम्हारे ऊपर है तुम किसे सेलेक्ट करते हो। लेकिन आगे और ऐसे गेम्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल के साथ।